बॉलीवुड में इस साल कई फिल्में रिलीज हुई है, जहां कई फिल्मों ने रिलीज के पहले दिन ही कई रिकॉर्ड तोड़ती हुई भी दिखी है। ऐसे लिस्ट में एक नाम अनन्या पांडे और आयुष्मान खुराना स्टारर फिल्म ड्रीम गर्ल 2 भी शामिल है, जहां फिल्म ने अपने नाम अब एक और सफलता दर्ज कर ली है। दरअसल फिल्म ड्रीम गर्ल 2 ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई की है। ये फिल्म 100 करोड़ का बिजनेस करके इस क्लब में एंट्री कर चुकी है। इसी के साथ फिल्म को मिली इस अपार सफलता के बाद फिल्म की लीड एक्ट्रेस अनन्या पांडे अब फूले नहीं समा रही है। दरअसल ड्रीम गर्ल 2 अनन्या पांडे की पहली फिल्म है जिसने 100 करोड़ की कमाई की है। ऐसे में एक्ट्रेस फिल्म को मिली सफलता से बेहद खुश नजर आ रही है। साथ ही सोशल मीडिया पर अनन्या ने बड़े ही खास अंदाज में अपनी खुशी भी जाहिर की है। अनन्या ने सोशल मीडिया पर पोस्ट भी शेयर किया है जिसमें वो गाने की शूटिंग करती हुई नजर आ रही है। इसके साथ ही उन्होंने 100 करोड़ के क्लब का पोस्टर भी शेयर करते हुए लिखा है कि मेरी पहली सेंचुरी। ये सिर्फ नंबर की बात नहीं है, लेकिन ये भी प्रूफ करता है कि ड्रीम गर्ल 2 को ऑडियंस ने कितना प्यार दिया है। इस प्यार के लिए मैं हमेशा शुक्रगुजार रहूंगी। सभी को शुक्रिया जिन्होंने ये बनाना मुमकिन किया। वहीं अब अनन्या के इस पोस्ट पर फैंस जमकर अपना रिएक्शन देते हुए दिखाई दे रहे हैं, जहां एक फैन ने कमेंट कर लिखा है इसी तरह ऊंचाइयों को छूती रहो, तो वहीं एक फैन ने कमेंट कर लिखा है कि अनन्या सारा और जानवी से बेहतर है। वहीं अब इस तरह के ढेरों कमेंट कर फैंस लगातार एक्ट्रेस की तारीफ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बता दें कि अनन्या पांडे के साथ साथ फिल्म के लीड एक्टर आयुष्मान खुराना ने भी फिल्म के 100 करोड़ के क्लब में शामिल होने पर खुशी जाहिर की है। जहां एक्टर ने फैंस के साथ फिल्म की सक्सेस को एंजॉय किया है, उन्होंने बड़ा सा केक काटा जिस पर 100 करोड़ हिट लिखा था। यही नहीं, आयुष्मान ने उन्हें ऑटोग्राफ भी दिया और सेल्फी भी क्लिक कराई। एक्टर का ये जेस्चर उनके बाकी फैंस को भी काफी ज्यादा पसंद आ रहा है। लेकिन इन सब से हटकर आपको ड्रीम गर्ल 2 कैसी लगी, ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वेल, अभी के इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मैं एकता त्रिपाठी, पंजाब केसरी, दिल्ली से। अगर आप हमारा वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक ज़रूर करें, और अगर आप हमारा वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।